इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में अपने निराशाजनक पिछले रिकॉर्ड को बदलने पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कहानी नहीं बदली। टूर्नामेंट में 7 मैच खेलने के बाद ये टीम अब तक 6 मैच हार चुकी है और अब उसके आगे जाने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार 15 अप्रैल को पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB के खिलाफ 3 विकेट पर 287 रन का विशाल स्कोर बना डाला। ये टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में RCB की टीम 262 रन तक पहुंची लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का सफर मुश्किलों से भरा है। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना किया जबकि ये मैच उसके लिए जीतना बेहद जरूरी था। ट्रेविस हेड की तूफानी सेंचुरी के बाद एंड्रिल क्लोसेन की 50 से RCB की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 42 रन, कप्तान फाफ डुप्लेसी 62 रन और आखिर में दिनेश कार्तिक की 83 रन की बदौलत 262 रन बनाए गए। इस सीजन में 7 मैच खेलने के बाद 6 में हार झेलने वाली RCB की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है। उसके खाते में अब 7 मैच और बचे हैं और प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए उसे हर मैच को जीतना होगा। ऐसा करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन जैसा होता है। यह RCB की टीम की लगातार 5वीं हार थी। चेन्नई के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद टीम ने पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज की थी तो वहीं कोलकाता, लखनऊ, राजस्थान, मुंबई और अब हैदराबाद से बेंगलुरु की टीम को हार मिली है। तो मैं बता दें कि इरफान पठान ने कहा अगर RCB की टीम को IPL के अगले दौर में जाना है तो अगले सारे मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। ये काम किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता और ऐसे में अगर RCB प्ले ऑफ में जगह बनाने में कामयाब हुई तो चमत्कार ही होगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।